जी दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्से 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे, बाएं विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त, श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे हैं। श्री विष्णु माया मंत्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 times। श्री माता जी आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आ गया, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 times। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। आज हम लोग यहाँ पर पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषतः बहुत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू अष्ट विनायक। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्ट विनायक नहीं। लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या यह वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज़ है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए, विशेष करके एक दो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए। गणेश की जो विशेषता है वो ये है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की ही स्थापना की गई थी, और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है, कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। इसी प्रकार
इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई थी। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जा करके आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज़्यादा पवित्रता का महत्व बताया कि आपकी आँखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे है। आँखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आँखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम में ये खराबी है, हमें वो खराबी है, किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनके हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहा जाओ तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले ही जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहाँ पर भी श्री गणेश जी का कार्य, क्योंकि ये चैतन्य और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे हो। ये जो भी चीज़ें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रुथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज़ को कह देने से कि असत्य है, वो चीज़ असत्य नहीं होती। उसकी खोज बीन करनी चाहिए। बड़ी एक गहरी चीज़ें हैं और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है और वो एक चिर बालक है। उनमें जो अबोधिता है, इनसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ़ यू हैव टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने से या कुछ रोज़ की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादि काल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतज़ार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके। क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर हैं, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है? इसे आपको
पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी रह रहा थी। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतज़ार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया। और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस एवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित है, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना। दूसरी चीज इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज़ को, उनको मालूम नहीं किसी से नाराज़ होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफ़ी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर ज़रूर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पर पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें ये भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल हो गए, वो भी काम श्री गणेश का ही। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज़ कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी जहाँ यहाँ जो लोग आए हैं सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों और उस श्री गणेश को रथ हों जिसकी आज पूजा होने वाली है। आई बीन टेलिंग देम अबाउट श्री गणेशा, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वर्शिप श्री गणेश। नाउ यू नो थ्रू फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट दैट इट्स अ लिविंग डेटी एंड इट इज़ ऑन मूलाधारा। ही इज़ एक्चुअली द
chancellor of all the universities, I would say, in the sense that he is sitting on all the chakras. Without him, nothing can work out, because he is the one who is holiness. So wherever the Kundalini goes, it is he who pours the holiness, and the cleansing power of Sri Ganesha cleanses your chakras. So it is very important to understand the virtue of Sri Ganesha, how he works within your chakras and how he helps you. We may worship him, just we may sing his praise and all that, but we should also think what qualities we have got from him of great chastity, great purity, also of wisdom. We have to understand that our wisdom is not something that could be inculcated. It cannot be something that can be maneuvered. It is something very innate thing, and it comes through our maturity. So this maturity can only come through the proper attention to your Kundalini, to fixing up your Kundalini with the all-pervading power. This has to be done through regular meditation. It's not a ritual, but it should be done whenever you feel like. And after some time you will find that you are all the time in meditation. You don't have to even meditate, but you are in meditation. His style is so great that it has no words to be described. But only thing I would like to say, that he is a little child. He is an eternal child. And the eternal childhood gives him that innocence of a child. We cannot force ourselves to be innocent, because we have grown and we have learnt lots of cunning things. But when the Kundalini starts rising and she starts blessing our chakras, automatically we start thinking our innocence has come back. Now we have got innocent heart, innocent mind, and innocent love. This simple innocent personality is the sign of a good surgeon. And then he also knows for definite through his experience that he is looked after by the Ganas of Sri Ganesha. Whether you are in Russia or in England or in India, they are all over, and the way they are watching you and the way they guide you and the way they help you, you have these experiences, and you know that how many people have written about their experiences that we could not even compile them in a book. But all these Ganas are there, and they are so kind and so nice, but apart from that, they are also watching. They are seeing how is your behavior. If you try to take advantage of Sahaja Yoga by any chance, it may be punished. It may act against you. I have warned you many times not to exploit Sahaja Yoga for your advantage. It is for the advantage of others and not for your advantage. You already have got your own realization. But exploitation should not be there at all. On the contrary, the enjoyment of Sahaja Yoga is the best way to know Sahaja Yoga. So far, we have had some bad experiences, but very, very few. Surprisingly, people who have never known even the first word Ga of Ganapati have become such devoted bhaktas of Sri Ganesha, and they have understood the importance of innocence and of purity. I am rather sad today that all the Sahaja Yogis are now going away to their countries, and I wish them that they carry this purity of Sri Ganesha with them, which is very much required in your countries, very much to be spread out. Only you have to desire and it will spread. I'm sure things will change very soon and you will have a much better time. Moreover, I'm sure also there are many people who think and who are seeking this truth, and they are seeking also this purity.
So only thing what you have to do is to find out. Find out as to which people are those which are just striving to seek the truth. Try to find them out. It's very easy to find them out. And also, after finding them out, do not argue with them. Just give them realization, let them feel the vibrations, and then things would be better. There are many, many things which are false in this world. Lots of things are full of falsehood. Doesn't matter. All this falsehood, everything can be easily cleared out by the truth, the light of the truth. So today is Sri Ganesha's temple is here, so we'll do Sri Ganesha's worship first and then the Devi's worship. I hope you people will say all the Atharvashirsha and everything. May God bless you all. I hope you have enjoyed the tour very much, and now you are going with such good vibrations. Carry them to your own countries and give my love to all the Sahajogis who have not come. May God bless you. Today we all have assembled here to pay our respect to Sri Ganesha. Ganpati Pule has a special significance. Because he is Mahaganesha. The Ganesha at Muladhara becomes Mahaganesha in the Virata, that is the brain. That means it is the seat of Sri Ganesha. That means Sri Ganesha governs from that seat the principle of innocence. As you know very well, it is placed at the back in the region of optic thalamus, optic lobe as they call it. And it is the giver of innocence to the eyes. When he incarnated as Christ, which is in here in the front, at Agya, he said very clearly that thou shalt not have adulterous eyes. It's a very subtle saying, which people don't understand what is the meaning of the word adulterous. Adultery means impurity in a general word. Any impurity in the eye thou shalt not have. It's very difficult. Instead of saying that you get your realization and clear your back agya, he has said it in a very short form, thou shalt not have adulterous eyes. And people thought it's an impossible situation. Because he was not allowed to live long. Actually, his public life is limited to 3.5 years only.
So whatever he says has a very great significance. That your eyes should not be adulterous. When there is innocence, there is no adultery. It means there is no impurity. For example, with our eyes, we see something and we want to possess it. We start thinking. The thought starts like a chain, one after another, and then we get into the web of horrible thoughts, and then we become slaves of those thoughts. Without even our knowledge, our eyes are turned to things which are very gross and take you downward. As Shri Krishna has said, that the tree of awareness grows upside down, that the roots are in the brain and the branches grow downward. Those who have gone towards materialism have grown downward. Those who have gone towards divine have grown upwards towards the roots. The main root, as they call the tap root, the main root is innocence, is Shri Ganesh. And he becomes Mahaganesha in Ganpatipura. Here he is surrounded by the father principle, the guru principle of the sea, the ocean, the Indian Ocean. That is, here he becomes the guru. When a Sahajogi establishes his Shri Ganesha principle, he is still a child. Of course, his eyes start becoming purer and purer and powerful. I am glistening. You must have seen when the Kundalini gives you the realization, then your eyes start gleaming. Like a spark is there in the eye. You can make out a spark. With ego, it gets covered. With ego, it blinds. With superego, it is covered with tears. But when they are clear, see the beauty of the eyes. Shri Ganesha shining through your glances. The attention now starts flowing through the window of Shri Ganesha's temple. But when you mature, you become Mahaganesha. Then Mahaganesha is establishing you and you become a Sadguru. You become a divine guru. You can teach others.
Even a child could be that. Even a grown-up person may be stupid. It has nothing to do with age, color, creed, or caste. It is a state to which one can reach at any time. Like we can say here, we had Jnaneshwara, who at a very young age composed the great Jnaneshwari. As you have seen yesterday, at the age of 12 years, Gorakhnath established his Mahaganesh. But if you do not try to ascend, then you will remain at the same stage even when you grow old. So maturity is the indication. Here, as we see in Ganpatipule, Sri Ganesha is in its complete matured form. So that we develop also our Mahaganesha within ourselves. And our eyes become pure, powerful and divine. With proper working out, I'm sure we can establish that state within ourselves. आज आम्ही गणपती पुळ्याला आलो ह्याचं फार महात्म्य आहे. अष्टमी नाकामध्ये हे महागणेशाचं स्थान आहे. महागणेश हा पीठाधीश आहे आणि ह्या पीठावर बसूनच तो सर्व गणेशांचं रक्षण करतो, सर्व ओंकाराची चालना करतो. कारण त्याला गुरुतत्व मिळालेलं आहे. वातावरणात सुद्धा आपण पाहिलं की समुद्र इतका सुंदर आणि स्वच्छ ह्या गणपतीचे पाय धुतोय. कारण समुद्र हा गुरुतत्व आहे आणि त्या गुरुतत्वाने तो श्री गणेशाचे पाय धुतो. तसेच सर्व सहयोगांचे झाले पाहिजे. गणेशस्तुती झाली, गणेशस्थापना झाली, त्यानंतर महालक्ष्मी तत्वाने तुम्ही महागणेश झाला. ही स्थिती आहे ती लहान मुलांना, मोठ्या मुलांना, वयस्क, स्त्री, सर्वांना सुलभ मिळू शकते जर त्यांच्यामध्ये सरळ स्वभाव आला, ज्याला आपण सारल्य म्हणतो मराठी भाषेत, ज्याला बुद्धिता म्हणतात, इनोसेन्स ज्याला म्हणतात, ते जेव्हा आपल्यामध्ये पूर्णपणे बाणून जातं तेव्हा आपल्याला गुरुपद येऊ शकतं. कोणताही गुरु ज्याच्यामध्ये ती सरलता, ते भोळं पण नाही, तो कधीही गुरु होऊ शकत नाही, तो अगुरु आहे. ज्याचं लक्ष फक्त परमेश्वरी शक्तीकडे आहे तोच गुरु होऊ शकतो. सर्वसाधारण माणसाचं लक्ष हे दूषित आहे, ते स्वच्छ नाही. त्याबद्दल ख्रिस्तानी सांगितलं आहे की तुमच्या डोळ्यामध्ये कोणताही दूषितपणा नसला पाहिजे. त्याचा अर्थ असा की आमच्या डोळ्यांनी आम्ही कोणत्याही वस्तूकडे पाहिलं की विचाराचं काहूर माजून जातं आणि भलते सलते विचार येऊन ही वस्तू आपण मिळवावी किंवा ही आपल्याला का मिळाली नाही, त्यांनी हेवे दावे असे होतात. कोणत्याही वस्तूकडे बघून जर विचार आला
तर तुम्ही आज्ञाचक्रावर अजून मात केलेली नाही. कोणत्याही वस्तूकडे बघून निर्विचारित आली पाहिजे. विशेष करून जेवढ्या परमेश्वरी संपत्तीत समृद्ध अशा देवी देवता आहेत त्यांच्याकडे पाहून तरी निर्विचारित आली पाहिजे. निर्विचारित आली तर दूषितपणा येणार नाही, कारण मनाला दूषित करणारे विचारच येणार नाहीत, मग दूषितपणा कसा आहे. म्हणजे जे ख्रिस्तानी सांगितलं की तुम्ही डोळ्यांनी कोणताही दूषितपणा आला नाही पाहिजे, इतके स्वच्छ असले पाहिजे जसे सूर्याचे किरण हे जेव्हा कोणत्याही झाडांवर पडतात त्यातली घाण घेत नाहीत पण त्याला प्रफुल्लित करतात, पल्लवित करतात, इतकंच नव्हे पण त्याच्यामध्ये शक्ती देतात. तसेच एका सहयोगाच्या डोळ्यामध्ये तेज असायला पाहिजे की जे या सर्व जगामध्ये अत्यंत शुद्ध वातावरण निर्माण करतील. शुद्ध वातावरणाची आज आपल्याला सगळीकडे गरज आहे. याच्यामध्ये शांती, आनंद आणि परमेश्वराची शक्ती नांदू शकते. फक्त श्री गणेशाला भजून होत नाही, आपल्यामध्ये श्री गणेश जागृत झाला पाहिजे, त्याचा महागणेश झाला पाहिजे. महागणेश झाल्यानंतरच आपल्या देशाचं व आपल्या देशाच्या कारणाने इतर देशांचे भले होणार आहे. आपणच दुसऱ्यांचं पुढारीपण करणार आहोत अशी दशा आहे. पण जर आपण हातामध्ये ही जबाबदारी घेतली नाही तर ह्या संबंध विश्वाचं काय होईल ते मला सांगता येत नाही. तरी सर्वांना विनंती आहे की आपल्या डोळ्यातला दूषितपणा काढून टाकला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याकडे सहयोगामध्ये मंत्र निर्विचारच आहे, विचारच युगाचा नाही. कोणत्या गोष्टीकडे बघून जर विचार आला तर यांने तिने ती वचन आहे काय, हे नाही हे नाही हे नाही म्हणत जायचं किंवा क्षमा केली असं म्हणत गेलं की तो विचार नष्ट होतो आणि निर्विचारिता एकदा आली म्हणजे दूषितपणा येण्याचा मार्गच खुंटतो. सर्वांनी पूर्णपणे प्रयत्न करावा की डोळे दूषित नसावे. ह्या डोळ्यांनी जर दूषितपणा येत असेल तर ते डोळे नको असं श्री संत तुकारामांनी म्हटलेलं आहे. त्यापेक्षा आंधळाचं बरं आम्ही. तेव्हा एक परेचं असं म्हटलं पाहिजे की ह्या दूषित गोष्टींच्याकडचं आंधळेपणच बरं आणि परमेश्वराकडचं डोळसपण, ह्या दोन्ही गोष्टींची जेव्हा सांगड बरोबर बसेल तेव्हा असं म्हणता येईल की सहयोगी आता गुरुपदाला गेलेले आहेत. माझा तुम्हा सर्वांना पूर्ण आशीर्वाद आहे की आज ह्या पुळ्याला जे महागणपतीचे स्थान आहे त्याच्या विशेष कृपेने तुम्हा सर्वांना लवकरच गुरुपद मिळावे.